नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। दोस्तों, हम सबको पता है पीएलआई स्कीम के तहत मेक इन इंडिया का जलवा विदेशी कंपनियों के सर चढ़ के बोल रहा है। हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कतें भी आई, जैसे ताइवान की कंपनी वेस्ट्रॉन के प्लांट में तोड़फोड़ और दंगे के बाद भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छी बात है। हम सब जानते हैं कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाती है, वे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है। उसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर वेस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन और फॉक्सकॉन है। इन सब में फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा सप्लायर है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में पीएलआई स्कीम के तहत फॉक्सकॉन ने भी चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भारत में आने का फैसला कर लिया है। फॉक्सकॉन ने कर्नाटक में पूरे 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फॉक्सकॉन ने कर्नाटक के वल्लम वदगल इंडस्ट्रियल पार्क में 30.83 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जहाँ पर एप्पल के मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। फॉक्सकॉन ने इंडिया में एक कंपनी भी बनाई है, जिसका नाम फॉक्सकॉन हॉर्न हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट लिमिटेड है। फॉक्सकॉन ने पास ही के सिरी पेरम्बदूर में 150 करोड़ की ज़मीन खरीदी है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक असेंबली प्लांट बनाएंगे। शुरुआती दिनों में यहां पर 19,000 लोगों को जॉब मिलेगी और प्लांट फाइनल होने के बाद 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। हम आपके लिए मेक इन इंडिया के ऐसे ही खास खबरें लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डूबते हुए नाव को तिनके का सहारा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट खास मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।